नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 2 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, ये जल्दी से जान लेते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। जल्दी से शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। आज सूर्योदय होगा 6:03 पर, सूर्यास्त होगा 6:38 शाम पर। योग है सुकर्मा, वार बुधवार, नक्षत्र है आपका शत शिवा और तिथि है शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और चंद्र राशि है कुंभ। शुभ समय कोई नहीं है। राहु काल है 12:20 PM से लेकर 1:55 PM तक और वार होगा बुधवार। तो ध्यान रखते हुए आज काम करिए और सावधानी पूर्वक सभी काम करिए ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के विशेष की और आज के विशेष में हम फिर बात करेंगे कैसे आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। जो भी लोग शनि की 7.5 ढैया के प्रभाव में है, जो भी लोग शनि की 7.5 या ढैया की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, राहु केतु के अशुभ प्रभाव उनके जीवन में तबाही ला रहे हैं, साथ ही साथ काल को दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष या अन्य अशुभ दोष जो राहु केतु और शनि के द्वारा बनते हैं, वो आपको जीवन में कठिनाइयां दे रहे हैं। आपको नजर लग जाती है भूत प्रेत का साया, ऐसे लगता है कि आपके आसपास रहता है, दुश्मन अधिक हैं, शरीर से आप कमजोर हैं और खाया पिया लगता नहीं है। कुछ लोगों को मोटापा चढ़ रहा है, कुछ लोगों की सेहत डाउन हो रही है, हड्डियों में दर्द है, तकलीफ है, डर लगता है, एनर्जी नहीं है, उत्साह नहीं है, आलस है, निकम्मापन है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, बस बैठे बैठे खाते रहें, खाते रहें, खाते रहें, खाते रहें, आराम करते रहें और इधर उधर की बातें करते हैं, ऐसा करने का मन करता है। घर के बच्चे जवान हो गए, शादी नहीं हो रही है, नौकरी जिस लायक मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, खर्चे इतने हो रहे हैं कि जिसको संभालना मुश्किल है, पैसे उधार दे दिए वापस नहीं मिलते, अपने ही घर में खुद ऐसे रह रहे हैं मानो किराएदार हों या घर के लोग ही आपका सम्मान नहीं करते। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। किसी परीक्षा कंपटीशन की तैयारी बरसों से कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं या अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, या बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, या बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है, या आपकी याददाश्त कमज़ोर है, भूल जा रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है जीवन में। या जिनको नीलम रत्न धारण करना चाहिए और पैसों की वजह से नीलम रत्न धारण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नीलम रत्न महंगा आता है, ये सारी जिसको दिक्कतें हैं, नज़र दोष, जादू टोना, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए, उनकी सेहत अच्छी रहने के लिए, ये जो सारी समस्याएं अगर आपके साथ या आपके किसी मित्र या परिवार वाले के साथ हैं तो इसका एक इलाज है, वो है लाजवर्द रत्न। इस रत्न को प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए नंबर पे L लिखकर संपर्क करना होगा। सिर्फ ये रत्न चांदी में बड़ा हुआ लॉकेट, यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में वो परिवर्तन लेकर आएगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। जिन लोगों ने 7 मुख की रुद्राक्ष लिए हैं वो लोग भी इसको धारण कर सकते हैं, उसके 7 में धारण कर सकते हैं, हर प्रकार से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और आज भी मेरी एक दो लोगों से बात हुई जिन्होंने 7 के रुद्राक्ष को पहनकर जो अनुभव किया, जो उनको लाभ हुआ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, आपको भी वो लाभ मिलेगा, आपके भी दिन बनेंगे। तो आप लोग, जो लोग 7 के रुद्राक्ष या लाजवर्द रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, L लिखकर व्हाट्सएप कर दें। यकीन मानिए आपकी ये छोटी सी सीख या आपकी छोटी सी समझदारी जीवन में आपको इतनी तरक्की देगी,
शायद आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं राशिफल की। अब बात करेंगे तुला राशि के जातक जातिकाओं की। बच्चे पढ़ाई लिखाई में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, प्रेम संबंधों में तेजी आएगी, आप अपने प्रेमी के साथ घूम फिर सकते हैं या उनके साथ अपने कोई दिल की दबी हुई बात शेयर कर सकते हैं। शेयर मार्केट में धन निवेश किया जा सकता है, सावधानीपूर्वक धन निवेश करिएगा, आपकी सेहत बढ़िया रहेगी और शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। नौकरी व्यापार के लिए आज का दिन ठीक रहेगा, अच्छा दिन है नौकरी करने वालों के लिए। आज आप मजबूती से काम कर पाएंगे, यानी कि आज आप अपने लक्ष्य से डगमगाएंगे नहीं, लक्ष्य को पाने के लिए मजबूती से काम करेंगे। आप मजबूती से अपना रास्ता पकड़कर चलते चले जाएंगे और खुद भी नई राह बनाएंगे सफलता की और दूसरों को भी ज्ञान देंगे कि कैसे तरक्की की जाती है। कोई पुराना मित्र मिल सकता है जिसकी सहायता से, जिसकी मित्र से आप लोग कुछ आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही तो फिर कोई समस्या भी नहीं रहेगी। आज तो मेहनत जबरदस्त, इसका मतलब है समस्याओं का अंत होना। किसी की गारंटी ना लें, किसी की जिम्मेदारी ना लें, दिमाग में आए हुए आइडियो को इम्प्लीमेंट करें, भविष्य बनाएं उनसे। ये नहीं कि आज ये सोचा कल वो सोचा, सपनों को देखें और उनको सच करने के लिए प्रयास भी करें। पुराने विवादों को निपटाने का दिन है और विलंब बिल्कुल नहीं करना है पुराने विवादों को निपटाने में। जल्दी जल्दी विवाद निपटेंगे, आप भी चिंता मुक्त होंगे और अपना अच्छा जीवन जिएंगे, नहीं तो लड़ते मरते जीवन बीतने वाला है आगे का कुछ दिन। तो अगर आपसे गलती हुई है तो आप माफ़ी मांग लें, या सामने वाला आपसे माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर दें। तो इस तरीके से आप चलिएगा, बुरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बुरे हैं बुरे रहेंगे, लेकिन आप अच्छे लोग हैं, आप लोग को जरा सा भी किसी बुराई ने छू लिया तो बड़ा बुरा हो जाता है, खुद शर्म महसूस होती है। तो आप आज के दिन ऐसे दबंग बन के रहिए, कोई भी बुराई आपके आसपास भी ना आ सके। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, भगवान सरस्वती की आराधना करिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाइए और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते रहिए। कल्याण ही कल्याण होगा और जीवन में खूब तरक्की आएगी। हरि ओम, नमस्कार।